रुक करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर मिल रही है, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग उठी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ये मांग उठी है। पूर्व मंत्री ने चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव रखा था, राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव रखा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में ये प्रस्ताव रखा गया और राजनांदगांव सीट से उन्हें लड़ाया जाए लोकसभा चुनाव। बता दें आपको, इस मीटिंग में तमाम कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के नेता मौजूद रहे और भूपेश बघेल को लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग उठी है। ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर। हमारे साथ जुल्फिकार अली हमारे संवाददाता जुड़ गए रायपुर से। जुल्फिकार, जाहिर है एक बड़ा हम कहें जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी भूपेश बघेल ने संभाली उससे बड़ा चेहरा छत्तीसगढ़ में नहीं था, और अगर उन्हें राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग उठी है तो जाहिर है कि इसमें कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति है। बिल्कुल, निश्चित तौर से कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति के तहत ही कांग्रेस काम कर रही है। हालांकि जिस तरीके से अभी माहौल अगर देखें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो करारी हार हुई उसके बाद कांग्रेस का पूरा फोकस ये है कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस किया जाए। तो ऐसे में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, हालांकि दूसरा दौरा है प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का, और जब आज वो प्रदेश प्रभारी पहुंचे और गणतंत्र दिवस के मौके पर ही इस बैठक को रखने से इस बात से समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है और छत्तीसगढ़ में लोकसभा में बेहतर परफॉर्मेंस करने की रणनीति में है। और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें रायपुर की बात हुई, दुर्ग की बात हुई, राजनांदगांव की बात हुई, महासमुंद की बात हुई, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी में छत्तीसगढ़ की जो 11 लोकसभा सीटें हैं उन लोकसभा सीटों में कौन मजबूत प्रत्याशी हो सकता है और जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगा, इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि स्क्रीनिंग कमेटी में कि जिस तरीके से देश पूरा राममय है और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर पूरे देश में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत मजबूत पा रही है, और छत्तीसगढ़ में जो करारी हार के बाद कांग्रेस, तो ऐसे में उन नेताओं को लड़ाने की बात आ रही है जो मजबूती से चुनाव लड़ सके। तो ऐसे में राजनांदगांव की बात हुई, जब उस पर चर्चा हुई तो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने इस पर प्रस्ताव रखा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर देखें तो राजनांदगांव जो लोकसभा सीट है वहां पर आधे आधे वाली स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो विधायक जीत कर आए हैं उस लोकसभा सीट से, तो ऐसे में मजबूत जो दावेदार हैं वो भूपेश बघेल हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को करारी टक्कर दे सकते हैं। इसके अलावा इस बात को लेकर भी चर्चा अंदर से हुई, क्योंकि ये आधिकारिक घोषणा किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अभी नहीं की है, लेकिन अंदर की चर्चा, क्योंकि कांग्रेस में अंदर की बातें कुछ सूत्रों के हवाले से निकल कर बाहर आ जाती है कि अंदर क्या क्या चर्चाएं हुई हैं, तो ऐसे में ये बात भी निकलकर सामने आई है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रहे हैं उन पर भी विचार किया जा सकता है लोकसभा में चुनाव लड़ाने के लिए, क्योंकि मंत्री उस क्षेत्र में मजबूती से चुनाव लड़ सके, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए सभी तरीके के संसाधन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में मंत्रियों के पास पहले से एक टीम होती है, हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार जब भारतीय छत्तीसगढ़ से जो भूपेश बघेल की सरकार थी उसके 9 मंत्री हार गए, हालांकि लोकसभा के समीकरण अलग होते हैं और जो लोकसभा की रणनीति है वो बिल्कुल अलग होती है, तो उस लिहाज से अलग अलग तरीके की बातें कांग्रेस की इस बैठक में आई हैं। और लोकसभा में कौन कौन मजबूत प्रत्याशी होता है इसको लेकर जो प्रदेश प्रभारी हैं उनके सामने ये बातें रखी गई हैं कि कौन कौन प्रत्याशी किस किस लोकसभा सीट से हो सकता है। ऐसे में भूपेश बघेल का नाम सामने आया है, तो निश्चित तौर से अगर भूपेश बघेल मैदान में उतरते हैं तो एक बार फिर, जैसे कि भूपेश बघेल का नेचर है कि वो संघर्ष करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस टक्कर देती नजर आएगी। तो क्या मानकर चले हम जुल्फीकार की इस मांग के बाद, जो जिसका जिक्र आपने किया, तत्कालीन भूपेश सरकार में जो 9 मंत्री हार गए थे, उन कुछ मंत्रियों में से भी या छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भी कुछ बड़े पूर्व मंत्रियों को, बड़े चेहरों को प्रमुख सीटों से उतारा जा सकता है? बिल्कुल, इस पर इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अभी जिस तरीके से कांग्रेस हताश है, निराश है, कांग्रेस की जो करारी हार हुई है, कार्यकर्ता जो है पूरी तरीके से अगर देखें तो निराश है कि लोकसभा चुनाव में क्यों, क्योंकि कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के पदाधिकारियों को ये पूरी उम्मीद थी कि दोबारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ रही है। जिस तरीके से अगर देखते भारतीय जनता पार्टी की जो बैठकें चल रही है, भारतीय जनता पार्टी जो हारी हुई सीटों पर फोकस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का, और राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर का जो भव्य कार्यक्रम हुआ, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिस
उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन जन तक के बीच में जा रहा है तो, और भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि पूरा माहौल जो है ना राममय हो गया है और राम राज्य की स्थापना की शुरुआत हो गई है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि ऐसे कार्यकर्ता मैदान में आए, ऐसे लोग आए जो संगठन को मजबूती से के साथ खड़े हों और चुनाव मजबूती से लड़ सकें, क्योंकि संगठन अगर देखें तो संगठन कांग्रेस का बहुत मजबूत किसी भी राज्य में नहीं है। कांग्रेस जो है मास बेस्ड पार्टी है, जो नेता है, नेता अगर मजबूत है तो उस क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत है। संगठन क्योंकि उस तरीके से जैसे भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है, नेता कोई भी हो, संगठन जिसको भी टिकट देगा वो जिता लेंगे, लेकिन कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस में जो नेता अगर मजबूत है तो कांग्रेस उस क्षेत्र में मजबूत है। तो इसी आधार पे मजबूत नेताओं की तलाश की जा रही है जो मजबूती से चुनाव लड़ सके। चलिए आप बने रहे हमारे साथ जुल्फिकार, एक बार